अब्बास अंसारी, ये नाम उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में तेजी से सामने आया है और वजह कभी भी ज्यादा अच्छी नहीं रही। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने भी काफी छोटी उम्र में ही अपने पिता की राह पकड़ ली। राजनीति और क्राइम को एक साथ चलाने की कोशिश, खैर आज हम अब्बास के अपराधों पर कम उसके लव लाइफ पर ज्यादा करेंगे। अब्बास अंसारी के प्यार और परिवार के किस्से पहली बार तस्वीरों के रूप में साल 2021 में उस वक्त सामने आए जब वो पुलिस से बचता फिर रहा था। उम्र रही होगी करीब 25 से 26 के आसपास। अब्बास अंसारी पर अवैध जमीन कब्जा करने का केस दर्ज हुआ तो वो पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया। यूपी पुलिस उसे तलाश कर रही थी। कभी खबरें आ रही थी कि अब्बास लखनऊ में छुपा है, कभी वाराणसी में। पुलिस ने अब्बास अंसारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। तभी जनवरी 2021 को सोशल मीडिया पर अब्बास की कुछ तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में अब्बास अकेला नहीं था, अब्बास के साथ थी उनकी नई नवेली दुल्हन। ये अब्बास अंसारी की निकाह की तस्वीरें थी। अब्बास ने निकहत बानो से जयपुर में शादी कर ली थी। पंजाब और राजस्थान में शादी के फंक्शन हो रहे थे और पुलिस उत्तर प्रदेश में अब्बास की तलाश कर रही थी। तस्वीरों में निकहत और अब्बास के बीच की केमिस्ट्री साफ नजर आ रही थी। दूल्हा दुल्हन के साथ पूरा परिवार भी खुश था, लेकिन पुलिस और आम जनता हैरान। खैर जो भी हो, निकहत अब्बास की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। इस दौरान अब्बास अंसारी पर एक और केस दर्ज हुआ। ये केस था कि चुनावी भाषण के दौरान हेड स्पीच का। अब्बास अंसारी काफी समय तक पुलिस से बचता रहा और फिर साल 2021 आखिरी में उसने सरेंडर कर दिया। नई नई शादी हुई थी, लेकिन गुनाह इतने थे कि जेल तो जाना ही था। अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में डाला गया था। पिता मुख्तार अंसारी की तरह ही अब्बास भी जेल में बंद था। निकहत शादी से पहले भी बखूबी जानती थी कि अब्बास पर कई मामले दर्ज है, लेकिन बावजूद इसके उसने अब्बास को चुना था। और सिर्फ चुना ही नहीं था, बल्कि उसने भी अपने पति के काले कारनामे में उसका साथ देना शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एक न्यूज़।